तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र्स जिन्हें आप वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके घर पे ही आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पर लिया है शटल कॉक का एक एम्प्टी बॉक्स। इसे मैंने कटर से दो इक्वल पार्ट में कट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं वाइट एक्रेलिक कलर से इसके ऊपर बेस कोट अप्लाई करूँगी। बेस कोट कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद अब हम इसके ऊपर कलर करेंगे। इसके ऊपर कलर करने के लिए मैंने दो शेड लिए हैं, एक लाइट ब्लू एंड येलो। स्पेशली बच्चों के रूम में बहुत अच्छे लगते हैं। कोल्ड की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई है, सॉरी फॉर दैट। तो सिंपली मैं इसके ऊपर येलो एंड ब्लू स्ट्राइप से कलर कर रही हूँ। इसका पैटर्न मैंने बहुत इजी रखा है ताकि बच्चे भी इसे आसानी से बना पाए। फॉर बेटर फिनिशिंग मैंने अंदर से भी इसे ब्लू कलर में पेंट कर दिया है। अब मैंने इसके ऊपर ब्लैक मार्कर पेन से लाइंस ड्रॉ कर ली है। इस तरह से मैंने ये दो बॉक्स रेडी कर लिए हैं। अब मैं इन्हें ग्लू गन की मदद से जॉइन कर रही हूँ। तो मेरे पेंटिंग ब्रशेस एंड क्राफ्ट मटेरियल टूल के लिए एक ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने लिए हैं शेजवान सॉस के दो ग्लास कंटेनर। कंटेनर के ऊपर मैंने सिंपली गोल्डन लेस लगाई है और इसके लीड को कलर करने के लिए मैंने गोल्डन स्प्रे का यूज़ किया है। अगर आपके पास गोल्डन स्प्रे नहीं है तो आप गोल्डन एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हो। सो रेडी है मेरे सुपर इजी एंड क्लासी ड्राई फ्रूट कंटेनर्स। मेरा लास्ट DIY जिसकी वजह से मेरा ड्रेसिंग टेबल थोड़ा ऑर्गेनाइज लगने लगा है। इसे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टिश्यू पेपर रोल और एक प्लास्टिक कंटेनर का लीड। लेड को मैंने वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट किया है। टिश्यू पेपर रोल के ऊपर भी मैंने वाइट एक्रेलिक कलर से एक बेस कोट लगाया है। रोल को डेकोरेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डेकोपेज नैपकिन्स। इसके नीचे की दो लेयर्स को निकाल के मैं ऊपर के पार्ट को अपने नीड के अकॉर्डिंग कट कर रही हूँ। मैंने जो फेविकॉल और पानी का घोल बनाया था उसे मैं रोल के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं डेकोपेज नैपकिन से इस रोल को कम्प्लीटली कवर कर रही हूँ। नैपकिन्स को इवनली पेस्ट करने के लिए इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए लगाना है। नैपकिन अच्छे से सेट होने के बाद अब मैं इसके ऊपर वार्निश अप्लाई कर रही हूँ। वार्निश की वजह से इसके ऊपर ग्लॉसी इफेक्ट आएगा और ये डस्ट फ्री भी रहेगा। रोल के बेस पे मैंने सर्कुलर शेप में कार्डबोर्ड कट करके लगाया है ताकि ये लीड पे अच्छे से फिक्स हो जाए। तो रेडी है हमारा ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजर। आपको ये तीनों DIY कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और DIY आइडिया के साथ।